दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। आप देख रहे हैं उसैद व्लॉग्स और मैं हूं उसैद और आज मैं जा रहा हूं अलवजा। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, अलवजा बेसिकली 3 आवर्स है, टू एंड हाफ आवर या 3 आवर्स बेसिक अवे है अलूला से, ठीक है। और अलूला कहाँ है? अलूला जो है मदीना प्रोविंस के अंदर, बल्कि मदीना के सूबे के अंदर है, सूबे के अंदर है, ठीक है। और मैं बेसिकली रियाद में रहता हूँ, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मुझे कहीं देखा होगा। और ये मेरा नया चैनल है, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन को भी दबा दें कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो में जुड़े रहें। और लाइक भी करें, सब्सक्राइब कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ अलूला में ना, मैं आते ही अलूला में छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। शायद मैं चल भी जाऊँ एक महीने आधे महीने बाद मेरे ख्याल से। तो मैं जा रहा हूँ अलवजा और आप लोगों को मैं सारा रिव्यू दूंगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और मैं आपको रास्ते में सारा आप लोगों को शेयर करवाऊँगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को अलवजा में। A few inches later. Assalamualaikum भाई, आप लोगों को अभी हम अलवजा पहुंच चुके हैं, अलवजा के कॉर्निश में। भाई ये देखिए, ये रेड सी है, अभी बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा दिखाता हूँ। A few moments later. हेलो भाई, अब हम आ चुके हैं स्विमिंग एरिया में भाई। दोस्तों अभी हम स्विमिंग एरिया में हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम आगे हैं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम ताऊक है, ठीक है। मैं अभी स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोग कुछ कहें ना, इस वजह से मैं स्लो बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को खाना दिखाते हैं और यहाँ सुपर मार्केट भी, शायद वहाँ जाएँ। अभी हम गाइस अभी मैं खाना खा के फिर नमाज हो गई थी, मैं नमाज पढ़ के फिर मैं हम घर पहुंच गए। हमने कोई ऐसे इधर उधर घूमा, फिर हम वापस आ गए। अंधेरा बहुत है, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्लिप नहीं बनाया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा, रिव्यू आप लोग ज़रूर आए अलवजा, नहीं आपको आना चाहिए, आपका रिफ्रेश कर देता माइंड, आपको बहुत अच्छा लगता है अलवजा आके। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि कॉर्निश इतना खूबसूरत, इतना अच्छा था। और अगर आप क्या कहते हैं स्विमिंग एरिया बेहतरीन था, अच्छा था, लेकिन उसका क्या कहते हैं वो ना बाउंड्री लगाई होती है ना, उन्होंने बाउंड्री लगाई होती है कि उसी एरिया उसके आगे, बाउंड्री के आगे वाले एरिया में स्विम करना। पिछले वाला गहरा होता तो वहाँ स्विमिंग कर सकते, जिसको स्विमिंग आती है वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बंद है मेरे ख्याल से, वहाँ से जेट्स की वगैरह। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जाएंगे। अभी मैं अभी 18 साल का नहीं हूँ, पता नहीं कौन सी एज में, अगर इंशाल्लाह अगली दफ़ा जाएंगे तो ये बोट वगैरह सब ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें कि आप कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। वो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।